देखो जो मोनोसैकराइड है ना उनकी क्लासिफिकेशन हो सकती है किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं उनमें और उनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अब मोनोसैकराइड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, तो एल्डिहाइड हुआ या कीटोन होगा, तो अगर एल्डिहाइड तो उसको एल्डोस कहते हैं, एल्डो एल्डोस, और कीटोन है तो उसको कीटोस कहते हैं, कीटोस। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 3 है तो ट्रायोस, 4 है तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस, 6 है तो अच्छा हेक्सोस, 7 है तो हेप्टोस। अच्छा अगर वो एल्डिहाइड है तो एल्डो ट्रायोस, एल्डो ऐसे, एल्डो टेट्रोस, एल्डो पेंटोस, एल्डो हेक्सोस, ऐसे इस तरह से कीटो, इस तरह से इसकी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो फ्रक्टोस क्या है, फ्रक्टोस एल्डो कीटोस है, ये होता है फ्रक्टोस। थर्ड नंबर पे कार्बन राइट की तरफ, कार्बन ही हुआ सके, राइट नहीं लेफ्ट, ड्रॉ सही किया मैंने, बोल उल्टा दिया। थर्ड में लेफ्ट की तरफ होता है, बाकी में बच इधर राइट की तरफ होगा। 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन है, 6, तो हेक्सोस आएगा, हेक्सोस कौन सा हेक्सोस है, कीटो नहीं है, तो कीटो हेक्सोस, तो फ्रक्टोस इज ए कीटो हेक्सोस, यही बोला क्वेश्चन में। मोनोसैकेराइड्स कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप आर क्लासिफाइड एज एल्डोज और कीटोज, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड फॉर क्लासिफिकेशन। फ्रक्टोस क्या है, कीटो हेक्सोस।